आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल अचीव हुआ है। जैसा कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को अब तक पता चल ही चुका होगा दैट टुडे आई वॉज एबल टू सिक्योर परमानेंट प्रेजिडेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर माई सेल्फ। आज उस सफ़र में मैंने अपनी मंजिल को हासिल किया है जिसका आगाज़ मैंने आज से 6 साल पहले किया था। पिछले 6 साल में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मुझे आज भी याद है जब मैंने ऑस्ट्रेलिया अपनी स्टडीज़ के लिए जाने का डिसीजन लिया था तो मेरे फादर ने मुझे एक एग्जाम्पल दी थी। उन्होंने कहा था कि बेटा एक कौवे का बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो कौवा उसको अपने घोंसले से धक्का दे देता है ताकि वो उड़ना सीख सके। और मेरे साथ भी उन्होंने यही किया। मुझे 20 साल की एज में अपने घर से दूर जाना पड़ा और वो ही दिन था जिस दिन से मैं इंडिपेंडेंट हुआ। वो दिन है और आज का दिन है मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही सीखा। आई वॉज एबल टू सिक्योर माई सेल्फ अलॉट। दुनिया के सबसे महंगे मुल्क ऑस्ट्रेलिया, जो कि स्टडीज़ के लिए सबसे महंगा माना जाता है, मैंने वहाँ से बैचलर्स की डिग्री हासिल की। और जो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है उसका एक ही एम होता है कि उसको उसका सिला परमानेंट रेजिडेंसी की सूरत में मिल सके। परमानेंट रेजिडेंसी और ड्यूल नेशनलिटी में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस होता है। 1 साल बाद मैं वो हासिल करने के लिए भी एलिजिबल हो जाऊँगा। ये सब बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपको आपकी लाइफ में टफ डिसीजन लेना पड़े तो ये सोच कर लो कि वो तुम्हें सक्सेस की तरफ ही लेके जाएंगे। आई एम हैप्पी आज अगर मेरे फादर इस दुनिया में होते तो शायद वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते, क्योंकि ये मेरा नहीं उनका ख्वाब था जो मैंने आज पूरा किया। अपने माँ बाप की कदर करो जब वो आपके पास हैं। मैंने की थी। दैट्स व्हाई आई एम सेटिस्फाइड कि आज वो मेरे साथ नहीं है बट ही वॉज हैप्पी विद मी, ही वॉज हैप्पी विद ऑल ऑफ हिज चिल्ड्रंस और वो एक सक्सेसफुल जिंदगी गुजार के दुनिया से गए। अब मेरी बारी है। मेरे आज ने मेरे आने वाले कल का फैसला करना है और मैं उसके लिए पुरजम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और एक अच्छी सोच के साथ अपने नए सफ़र का आगाज़ करने लगा हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो टू स्टे ट्यून। साइनिंग आउट ऑरन के ब्लॉग्स।